एक डाटा लेके आया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तालिबान अभी घुस के आ गया है अफगानिस्तान में, उससे ठीक पहले करीब 2000 युवतियाँ अफगान नेशनल आर्मी में सर्विस करती थी, जिसमें से 200 के करीब की ट्रेनिंग जो है वो भारत में भी हुआ और अभी भी हुआ कुछ दिन पहले तक, 2017-2018-2019 तक हुआ फेजेज में, और करीब 150-200 के करीब जो अफगान पुलिस में औरतें थीं उनकी ट्रेनिंग टर्की में भी हुई, और कोई भी महिला तालिबान के साथ नहीं है। आप जो उठी हैं, जो उन्होंने बंदूकें उठाई हैं, जो दुनिया भर ने देखा है, तस्वीरें देखी हैं कि वो कहती हैं कि हम लड़ेंगे औरतों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, और अफगान के साथ खड़े होंगे, तो जाहिर है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं पंजशीर में वो तो उठे खड़े हो गए हैं अपने लड़ाके के साथ। औरतें अगर उसमें मिलती हैं, अगर जुड़ती हैं, अगर फौज तैयार होती है, तो तालिबान को भेदना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तालिबान है क्या? वही तो लोग हैं। नमस्कार। तालिबान ने जम के सुर्खियां बटोरी हैं अपनी क्रूरता के लिए, बंदूक के दम पे सत्ता हथियाने के लिए, जो बिल्कुल ही गलत है। मतलब कोई लड़के तो सत्ता ली ही नहीं है, किसी ने सरेंडर किया और किसी को सत्ता मिली, लेकिन वो जो कर रहे हैं, जो उनका आइडियोलॉजी है, जो ब्रांडिंग है उनकी इस्लाम की, उसका साथ देने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले भारत के मुसलमान हैं। ए भैया, बड़े बड़े मुसलमान हैं, बड़ा बड़ा नाम, वो जमायत इस्लामी और वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो उलेमा, वो इलेमा, वो देवबंद, भैया जो भी टॉप के मुसलमान हैं, टेलीविजन पे आते रहते हैं, लोग बुलाते रहते हैं उनको सुनने के लिए, तो वो लोग तो खुल के कहते हैं कि भैया अब डिफैक्टो सरकार बन गई है तालिबान की, तो वो कह रहे हैं कि सुधर रहा है, उसको मदद करनी चाहिए। अब क्या करेगा वो, कैमरे के सामने औरतों के अथरिया फाड़ कर दिखाएगा कि मैं वही हूँ, जानवर हूं मैं, वो कहेगा खुल के, जब सत्ता में आएगा, जब सत्ता मिल रही है उसको। अब तालिबान को समर्थन देने के पीछे क्या भारत के मुसलमानों का मोदी से दुश्मनी है कि अमेरिका से दुश्मनी है? देखिए, बहुत तरीके से ये बात कहने के लिए आया हूं कि ये जो अफगान 3,00,000-3,50,000 सेना का सरेंडर है, उसके राष्ट्रपति का भाग जाना है, वो कितनी कायरता है या कितना सेम आइडियोलॉजी के कारण एक दिल से उपजी हुई बात है, ये कहना मुश्किल है। ये तो दिल टूटता है उनकी जानवरों वाली जो हरकतें दिखती हैं, वो जो बंदूकें खुलेआम चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, मारते हैं, वो भागते हुए हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, ऊपर से गिरते हैं, मरते हैं, एक साल की बच्ची को अमेरिकन सेना के हाथों में किसी तरीके से देते हैं, वो तस्वीर घूम रही है, दिल हिल जाता है कि माँ सोचती है चलो इस बच्ची का बलात्कार तो नहीं होगा तालिबानों के हाथ, कहीं भी रहेगी जिंदा तो रहेगी, अमेरिका में तो रहेगी। ये जो अमेरिका को गाली देने वाले लोग हैं तालिबान में, तालिबान जो कर रहा है उसके लिए, उनको अगर मौका मिलेगा ना, तो अपने खुदा को भी टाटा बावे करके अमेरिका पहुंच जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हासिल करेंगे, और फिर एक दिन कहेंगे हमको शरीयत चाहिए। सारे यूरोपीय दोस्तों में उन्होंने ऐसा किया है, भारत में भी उनकी मंशा यही है। बात मुद्दे पे आते हैं कि जो उपराष्ट्रपति, जो खुद को भी राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमरुल्ला सलेह, पंजशीर में उन्होंने गोलबंदी कर दी है, उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं अपने समर्थकों के साथ कि हम तालिबान से लड़ेंगे, और उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होगा, ऐसा करके घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ तालिबान की सरकार बन रही है, उनकी मीटिंगें चल रही हैं, पाकिस्तान साथ दे रहा है, चीन साथ दे रहा है, सऊदी अरब साथ दे रहा है, कतर साथ दे रहा है, उनकी सरकार बन रही है। और ये जो लड़ाके तैयार हो रहे हैं पंजशीर में, अफगानी सेना
हैं वो अफगानी झंडा लेकर के घूम रहे हैं और अल्लाहू अकबर कर रहे हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन है तो वो भी मुसलमान ही, उन्हें भी मतलब वो इस्लामी सत्ता के खिलाफ तो नहीं बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि भैया तालिबान को हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मानते, वो जंगली है, वो दीसे दाटे, हम नहीं हैं, यही कहेंगे वो। वो औरतों की इज्जत नहीं करता, बच्चों को सुरक्षा नहीं देता, वो क्या है 35 लाख लड़कियां स्कूलों में थी ये तालिबान के आने से पहले। जब 1996 से 2001 तक तालिबान की सत्ता थी वहाँ अफगानिस्तान में, तो जाहिर है कि लड़कियाँ गायब हो गई थी स्कूलों से, दफ्तरों से औरतें गायब हो गई थी। वो तालिबानी कानून शुरू हो गया था, पत्थर मार के मौत की सजा दी जाने लगी थी, चोरी चकारी के लिए हाथ काटने लगे थे, पैर काटे जाने लगे थे, वही जो भयावह स्थिति है तो लोगों को दिखाई देने लग गई। और किस तरह भगदड़ मची तालिबान के हाथों, आपने देखा उस कहानी में, तो मैं जाना नहीं चाहता कि अमेरिका क्यों छोड़ के गया, ये राष्ट्रपति क्यों वहाँ से भागे गनी साहब, और अभी क्या हो रहा है। अभी जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यही कि औरतें उठ के खड़ी हो गई हैं तालिबान के खिलाफ। औरतें पानी होती हैं, बड़े से बड़ा डैम अगर वो फोर्स में आई तो तोड़ सकती हैं। ये लड़ाके क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ये औरतें जो बंदूक चलाना जानती हैं, सीखी हैं, चाहे वो गिनती में 200, 400, 500 ही हैं, वो जब मोबिलाइज हो जाएंगी तो ये तालिबान जो जंगली है, खामखा कुछ तस्वीरें आप देखते रहिए, साथ के साथ कैसे प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा किया, वैसे है इफ्तार जैसे कर रहे हैं, सोफे पे कैसे बैठे हुए हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, अरे सड़कों पे कैसे वो ट्रैफिक पुलिस बने हुए हैं, कैसे ट्रैफिक को क्लियर कर रहे हैं, वो मैं क्या मजे कर रहे हैं। मैं ये जंगलीपना की इंतहा है, हवाई जहाज़ को एरोप्लेन को बस समझ लेना, उसके ऊपर चले जाना, ट्रेन समझ लेना, कुछ भी करने को जो तैयार हो जा रहे हैं, चाहे जिंदगी जीने के लिए चाहे सत्ता में रहने के लिए। वो औरतों की क्या हालत करते होंगे जो खेती समझते हैं, मालेगनी समझते हैं, उन्होंने ये समझा कि हमने युद्ध जीता है। और वो पाकिस्तान ने भी कह दिया कि वो लोग जो तालिबान वाले हैं उन्होंने आज़ादी हासिल की है। भैया किसे आज़ादी की, किसका गुलाम था, 102 साल हो गए अफगानिस्तान के आज़ाद हुए। ये कुछ भी इस्लाम के नाम पे कुछ भी है, इस्लाम की कौन सी ब्रांडिंग है ये तो मेरे को समझ में नहीं आती है ना। अब देखिए इसमें है कि अब 2008 मार्च का एक वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये चेन्नई में, भारत में जो चेन्नई है उस अफगानी लड़कियां सेना का प्रशिक्षण ले रही हैं, है ना। अच्छा एक और बड़ी बात जो मैं अब ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अमेरिकी सेना तो वापस गई, लेकिन वो जो जखीरा छोड़ गई हथियारों का, टैंकों का, वो हाथ लग गया है तालिबान के। भैया वो तो बहुत ताकतवर महसूस कर रही होगी अपने आप को, अब कितनी ताकतवर है वो क्या कहते हैं, हथियारों से कोई ताकतवर हो जाता तो पिछले 20 सालों में सबका लाल कर दिया था अमेरिकी सेना ने, सब तो चुपचाप थे, है ना, इंतजार कर रहे थे कब जाए कब जाए कब जाए। एक अमेरिकी सेना अगर मरता है तो बदले में 15,000 लोग अमेरिकी मारते हैं, एक अमेरिकी सेना को मार के दिखा देते ना, तो वहाँ तो एकदम भीगी बिल्ली बने रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जीते रहे वो लोग, अब कहते हैं आज़ाद हो गए। अरे वो तो तरीका दे रहा था उसको, तो उसे अपने आतंकवादी चाहिए थे, उसे तो अपना बदला पूरा करना था, ट्विन टावर ट्रेड टावर को उड़ा दिया था अमेरिका में जाके, शांति है ना। उसके बाद से ओसामा बिन लादेन को आइडियोलॉजिकली बड़ी श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं, ये पाकिस्तानी, ये अफगान के लोग, ये तालिबानी, ये कतर, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा जो फिलिस्तीन है, सब सबके लिए वो आदर्श है, और उसके लिए आतंकवादी था अमेरिका के लिए, तभी तो मारा ढूंढ के। तो ये जो तालिबानी आए हैं वो कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, वहीं के हैं, उन्होंने सत्ता हासिल की है, और किसके खिलाफ हासिल किए भाई, जो उन्हीं के जैसे लोग हैं, अफगानी हैं, लेकिन वो सरकार में थे, थोड़े से लिबरल थे, औरतों को ऑफिस जाने देते थे, बच्चियों की पढ़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव था, अमेरिका आया था सपोर्ट करने के लिए, उससे पहले रूस भी आया था वहाँ, तो ये लोग थोड़ा सा
ह्यूमैनिटेरियन है, औरतों की अधिकार को समझते हैं, तो अधिकार दी, रक्षा की, पढ़ाई शुरू हुई, स्कूल में दाखिले शुरू हो गए, लड़कियों ने काम करना शुरू कर दिया, और घानी की सरकार में तो लड़कियां पायलट बनने लगी, जिसको अभी भी मार दिया है एक पायलट, महिला पायलट को इस तालिबानियों ने, पांचे कमांडो को फांसी पर लटका दी। ये तो कर रहे तालिबानी, अपनी शक्ल तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है महिलाओं के अधिकार की बात घानी सरकार में हुई। 35 लाख लड़कियां, जैसे मैंने कहा, कॉलेज स्कूलों में इनरोलमेंट हो गई थी। तो अब ये लड़ाई रुकी नहीं है, ये खून खराबा रुका नहीं है। अगर ये इसे लगता है कि वो गाहे बगाहे एक को, दो को, पांच को, दस को मार के अफगानिस्तान पे सत्ता पे काबिज हो जाएंगे और उन्हें पूरी दुनिया का साथ मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि वहाँ साले के समर्थन में एक सेना खड़ी हुई है, जो दम से खड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की औरतें तालिबान के खिलाफ हुई हैं, जिसमें कि वर्दी वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं जो हथियार चलाना जानती हैं, जिनको सपोर्ट भी दुनिया के बहुत सारे देशों से मिलने वाला है, उन्होंने सपोर्ट मांगी भी है। तो कुल मिलाकर के अगर औरतें आगे आती हैं तालिबान के खिलाफ, आ चुकी है, अगर वो मेन स्ट्रीम में आके लड़ाई करना शुरू करती हैं, तो ये कितना देर ठहरेंगे तालिबानी, ये देखने की बात है। और ये जो तालिबान के जो समर्थक हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं, पूरे के पूरे पाकिस्तानी हैं, कतर के हैं, और ये जो एक राजनीतिक फ़ायदे या फिर कुछ ज़मीन की लालच में या फिर एक डिप्लोमेटिक एक पॉइंट बनाने के लिए जो चीन साथ दे रहा है और जो कतर साथ दे रहा है, वो सब के सब बैकफुट पे जाएंगे, क्योंकि हैं तो आखिर वहीं के मुसलमान ही हैं, शरिया को ही मानने वाले हैं, उसी पैगंबर को, उसी खुदा को मानते हैं। एक जंगली है, एक थोड़ा ठीक है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर औरतें उठ खड़ी होती हैं तो तस्वीर और तकदीर दोनों ही अफगानिस्तान की बदलेगी। और लेकिन खून खराबा होना है, वो होगा, अभी कुछ खास नहीं हुआ है, जो बहुत कुछ आने वाले दिनों में होगा। हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ खास बातें लेकर के बहुत जल्दी आऊँगा, साथ रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, साथ मिलके बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।